ऑन द सेम टॉपिक लेट्स डू सम क्वेश्चंस. तो मैंने भी आपको बोला था कि दो क्वेश्चन है इस टॉपिक पे. आफ्टर दैट वी विल मूव टुवर्ड्स एम्पियर्स लॉ. ओके, तो अभी देखते हैं ये दो क्वेश्चन कैसे हैं. इसके अलावा एक चीज और याद रखिए कि वेक्टर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई अपॉन कैपिटल आर थीटा अपॉन कॉस म्यू नॉट अपॉन टू आर सॉरी थीटा अपॉन 360 डिग्री. ठीक है, ये आपको पता है किस केस के लिए है. दिस इज म्यू नॉट अपॉन टू आई अपॉन आर थीटा अपॉन 360 डिग्री. ठीक है, ये सब पता है और ये भी पता होगा आपको किस चीज के लिए. तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं बोर्ड पे जो लिखे हुए हैं. अब देखिए एक क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरीके से. वन सर्कुलर आर्क हैज बीन गिवन. ठीक है, और दिस आर्क ओके ये अच्छा नहीं है. ओके, लेट मी ड्रॉ लाइक दिस वे. अभी ठीक है कुछ. ठीक है, तो ये एक है जिसमें करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है. जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू है आई. वन इज ऑफ रेडियस ए एंड अनदर इज ऑफ रेडियस बी. ठीक है, और ये एंगल इस पे ये पूरा इसके बीच का जो एंगल है वो हो गया आपका 90 डिग्री. ठीक है, आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है बिकॉज ऑफ दिस वन. तो निकालते हैं बी एट ओ यू हैव टू कैलकुलेट. तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि जैसे कि मैंने अभी तक आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है कि जो इसका डायरेक्शन है वो क्या होगा. नीचे आ रहा है तो इसका राइट हैंड साइड इधर आया. राइट का मतलब क्या होता है, क्रॉस. तो इस वाले की वजह से बी वाले की वजह से क्रॉस लगेगा जिसको मैं क्रॉस बी कह दे रही. ठीक है, और ये ऊपर जा रहा, ऊपर वाले के लेफ्ट में आएगा. तो लेफ्ट वाले जिसका रेडियस ए है उसकी वजह से क्रॉस, और जिसका रेडियस बी है उसकी वजह से डॉट. ये होगा डायरेक्शन, मतलब ए की वजह से अंदर और बी की वजह से बाहर. अब एक चीज और है कि आई तो कांस्टेंट है, सेम अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग. तो जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड कम होगा. तो ऊपर वाले का मैग्नेटिक फील्ड कम होगा और नीचे वाले का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो किस में आएगी, इनवर्ड आएगी. तो लेट्स कैलकुलेट फॉर ये हमें कैलकुलेट करना है. तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं ड्यू टू ए. तो फॉर्मूला आपका क्या है, म्यू नॉट अपॉन टू आई अपॉन आर, आर इज ए, और थीटा अपॉन 360 डिग्री. थीटा कितना है, 90 अपॉन 360 डिग्री. ठीक है, तो 1/4. तो ये आपका क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन टू आई अपॉन ए 1/4. ठीक, इसी तरीके से अगर हम b का लिखेंगे तो हमें उसमें भी यही रिलेशन मिलेगा, बस a की जगह b होगा. तो वो होगा म्यू नॉट अपॉन टू आई अपॉन बी 1/4. किसकी वैल्यू ज्यादा है यहाँ पे, सिंस a इज लेस देन b, तो b नेट आपका कितना होगा, b ड्यू टू a इज मोर देन b एट ड्यू टू b. ठीक है, तो ये क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन टू आई अपॉन फोर, या फिर म्यू नॉट अपॉन एट आई, और ये क्या हो गया, वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन बी. ठीक है, तो ये हो गया. और डायरेक्शन कितनी किधर हो गई, क्योंकि ए की डायरेक्शन, ए की वैल्यू बड़ा है, ये नीचे आ रहा है. नीचे आने के केस में राइट हैंड साइड हमारा क्रॉस पड़ता है, तो
इसके लिए क्रॉस हो गया और ये ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाने के केस में ये लेफ्ट साइन हुआ, इसका मतलब डॉट। किसकी वैल्यू? ये डिस्टेंस कम है, इस नाते ए की वैल्यू ज्यादा होगी, तो नेट डायरेक्शन आपकी क्या होगी? क्रॉस होगी। ओके, ओके। इन द सेम वे लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैट में काफी सारी चीजें हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हैं, थोड़ा सा टफ है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में जब मैग्नेटिक फील्ड निकालने की बात आती है तो कंपैरेटिवली इट इज इजी, यू कैन कैलकुलेट इट मोर इजली। ठीक है, तो यहाँ पे एक और सर्किट, नॉट सर्किट, एक और वायर दे रखा है, उसमें हम कैलकुलेट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? कुछ इस तरीके का वायर है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ये और ये इनफाइनाइट लेंथ पे इधर जा रहा है और ये हेमिस्फीयर, ये आपका सेमी सर्कल है ओ पे, यहां पे आपको निकालना है। मींस क्या हो गया? कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप ऑफ वायर्स। ओके, ये इनफाइनाइट लेंथ वायर की वजह से आपको निकालना है और ये आपका सेमी सर्कल की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। व्हाट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट? ऐसे दे रखा है। और कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पे, हाँ, दिस इज ऑफ रेडियस आर, इसका रेडियस कितना है? दिस इज आर। ठीक है, अब यहां पर देखिए, सॉरी, सबसे पहले सेमी सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, ड्यू टू द सेमी सर्कल। उसका फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट अपॉन टू आई अपॉन आर, थीटा मींस ये थीटा कितना हो गया? 180 डिग्री अपॉन 360, तो ये कितना हो गया? 1/2, तो 1/2 का मतलब हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 आई बाय आर। ठीक, वेट, सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपको कि आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, तो इसका राइट मतलब क्रॉस, इसकी वजह से भी क्रॉस, राइट में इसकी वजह से भी क्रॉस, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? क्रॉस, नेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हमें वैल्यूज बस कैलकुलेट करनी है। ठीक, तो क्रॉस हो गई, दैट मींस वी हैव टू ऐड, अब एक वायर की वजह से निकालते हैं। ठीक है, दिस इज वायर वन एंड दिस इज वायर टू, तो वायर वन की वजह से अगर निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा? म्यू नॉट अपॉन 4 pi आई अपॉन डी इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा, थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक? ये थीटा आपका कहां से कहां तक जाएगा? फॉर इनफाइनाइट के लिए 90 डिग्री और ये कितना हो गया? 0 डिग्री, तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के लिए आपको ये जाएगा। यहां पे आप क्या लिखोगे? म्यू नॉट अपॉन 4 pi आई अपॉन आर, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा हो जाएगा आपका साइन थीटा, और साइन थीटा में मतलब हो जाएगा लिमिट रखोगे तो साइन 90 माइनस साइन 0। ओके, तो साइन 0 की वैल्यू तो 0 हो गई, साइन 90 का मतलब 1 हो गया, तो बी वन आपका कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 pi आई बाय आर। सेकेंड वायर की वजह से भी वैल्यू उतनी ही आएगी, विच इज इक्वल टू बी टू, तो फिर नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन कितना हो गया? म्यू नॉट अपॉन 4 आई अपॉन आर प्लस 2 म्यू नॉट अपॉन 4 pi आई बाय आर। तो हम यहां से क्या करेंगे? म्यू नॉट अपॉन 4 pi आई अपॉन आर को अगर कॉमन लिख लें तो 1 + 2 म्यू नॉट अपॉन 4, तो यहां पे pi भी आ जाएगा, pi प्लस 2, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है,
क्लियर। अभी इतना क्वेश्चन, इतने तरीके का क्वेश्चन आप कर लो, फिर अपने बुक में पीछे, सॉरी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, या फिर आप खुद से भी ट्राई करना स्टार्ट कर सकते हैं, देन यू विल फाइंड कि ऑलमोस्ट क्वेश्चन आप कर सकते हो। ओके, नाउ लेट्स डू एम्पियर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, एम्पियर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। Okay, now let's start a new topic, that is Ampere's law and its application. जैसे कि हमने electric field में देखा था कि किसी भी circuit में कोई भी system अगर दे रखा है जिसमें current flow कर रही है, तो किसी भी point पे हम उसकी electric field निकाल सकते हैं। Means if the current कोई भी system है, चाहे वो linear system हो या प्लेन सिस्टम हो या वॉल्यूम में कोई सिस्टम हो उसमें करंट फ्लो कर रही है या नंबर ऑफ चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है। सो बाय यूजिंग गॉस थ्योरम वी वर एबल टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट फॉर द कंटिन्यूस सिस्टम। इसी तरीके से जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि कोई भी सर्किट में जब करंट फ्लो करती है तो देयर इज मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो। तो उसका जो इफेक्ट है या जो मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड को हम किसी भी पॉइंट पे किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जिस तरीके से वहाँ पे गॉस थ्योरम आपका एप्लीकेबल था, उसी तरीके से यहाँ पे आपका एम्पियर्स थ्योरम, एम्पियर्स लॉ एप्लीकेबल होता है। ओके, सो सी व्हाट इज एम्पियर्स लॉ। सपोज देयर इज अ वायर इन विच करंट इज फ्लोइंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी अगर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है इसके अंदर में। अब आप ऐसे सोचो, अकॉर्डिंग टू योर बायो सेवर्ट लॉ आई टोल्ड यू दैट इफ द करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन देन राइट हैंड साइड इज योर क्रॉस, लेफ्ट हैंड साइड इज योर डॉट। सो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, सो इट मस्ट कम डॉट, दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द सर्फेस इन द आउटवर्ल्ड डायरेक्शन। इन द सेम वे इफ आई से दैट वॉट विल बी इलेक्ट्रिक सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, वॉट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस क्लॉकवाइज। सो फॉर दिस क्लॉकवाइज यू कैन सी नाउ दिस इज गोइंग दिस डायरेक्शन, सो दिस इज राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मीन्स क्रॉस। सो इन दिस केस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड, इसमें क्या होगा ये इनवर्ड और इसमें क्या होगा ये आपका आउटवर्ड। ओके, सो हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे या अंदर कितना होगा। ओके, वो हम कैसे निकाल सकते हैं उसको देखते हैं। यू कैन राइट सम ऑफ द स्टेटमेंट ओवर हियर। सो राइट, लेट अ वायर इज केप्ट on the page such that current is flowing on the page in anti-clockwise direction, ठीक है, anti-clockwise direction, I'm taking this one of the case. So, what is your Ampere's law? According to Ampere's law, integration vector B dot dl, okay, integration vector B dot dl is equal to, if I have to calculate what is the vector B, direction is this one and dl is this one, so both are having value 0 degree, means angle value is 0 degree. So B dl cos 0 degree means इसकी वजह से इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यही तो प्रोजेक्शन हम निकाल रहे हैं ना,
कि डीएल लेंथ की वजह से, पर्टिकुलर लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पर्टिकुलर लेंथ की डायरेक्शन में कितनी होगी। तो डीएल आपका ये है, तो एक जनरल केस अगर हम देखें तो ये आपका डिफरेंशियल लेंथ इस तरीके से चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो दोनों के बीच का एंगल तो आपको यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है। बट अगर हम एक जनरल केस में देखें तो उसमें हम क्या लिखेंगे, इफ आई टेक इट लाइक दिस वे, ओके, ऑन द पेज इन एक्सलोम्बो, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल आप कितना हो जाएगा, व्हेन बी कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, ओके, एंड फाइ कैप, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर बी की वैल्यू ये हो गई, और आपका डीएल कितना है, बिकॉज इट इज इन अ पोल पोलर कोऑर्डिनेट, सो यू कैन राइट डीएल इज इक्वल टू डीआर, यूनिट वेक्टर फाइ में हमें लिखना है क्योंकि फाइ के अलोंग हो रहा है, तो पोलर में आपका क्या हो जाएगा, डीआर आरडी फाइ, ये हो जाएगा आपका आर डी फाई यूनिट वेक्टर फाई, ओके। तो जब इसमें हम करेंगे तो आप देख सकते हो कि यूनिट वेक्टर फाई डॉट फाई आपको कितना मिल जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, 2πr इंटू आर, और इसका हमें इंटीग्रेशन लेना है डी फाई, तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आर विल कम कॉन्स्टेंट एज आर इज द रेडियस ऑफ दिस वन, और डी फाई का इंटीग्रेशन 0 से 2πr, तो 2πr आ जाएगा यहाँ पे, म्यू नॉट आई और अपॉन 2πr आर, और डी फाई को करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 2πr, तो 2πr विल गेट कैंसिल, और आपको क्या मिलेगा, वेक्टर बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट डीएल आपको हमेशा क्या मिलेगा, म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड, व्हाट इज आई एनक्लोज्ड, टोटल करंट क्रॉसिंग थ्रू द लूप, दिस इज टोटल करंट क्रॉसिंग, व्हाट इज आई एनक्लोज्ड इज टोटल करंट क्रॉसिंग थ्रू द लूप, ओके। तो आज जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उसमें क्या है, एम्पियर्स लॉ इज इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड, ये हमारा एक फॉर्मूला निकल के आता है। आगे देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ, इसका डिफरेंशियल फॉर्म क्या होगा, तो तार में ही फंस जाते हैं। ओके, डिफरेंशियल नेक्स्ट हेडिंग इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ, तो डिफरेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर्ल ऑफ बी डॉट डी ए दिस विल कम इंटीग्रेशन कर्ल ऑफ बी डॉट डी ए इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटीग्रेशन वेक्टर जी डॉट डी ए, ठीक है। तो आप अब यहां से इसमें कंपेयर कर सकते हो, दिस इज आई, व्हाट इज योर आई, वेयर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर जे डॉट डी ए,
ओके सो कर्ल ऑफ बी एक्चुअली फ्रॉम वेयर डज इट कम्स, इसको देखती हैं दैट फ्रॉम वेयर इट कम्स. सी डेल डॉट बी सिंस दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड has a property that it has no monopole. Okay, that means if it has no monopole, to del dot B is equal to zero. Okay, so this is your del dot B is equal to zero. So this you have read integration vector B dot dl. So B dot dl ko hum jab likhte hain, length ko humne kaun kaun sa formula padha hai, humne Gauss थियरम पढ़ा है, मीन्स डाइवर्जेंस थियरम जिसमें हम वॉल्यूम से एरिया में आते हैं, एंड स्टोक्स थियरम जिसमें हम लाइन से स्टोक्स ला लाइन से एरिया में आते हैं. तो आप देख सकते हो कि इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी एल को हमने एरिया के टर्म में यूजिंग स्टोक्स थियरम कन्वर्ट कर दिया है. तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल कैन बी रिटन एज बी डॉट डी एल कैन बी रिटन एज कर्ल ऑफ बी डॉट डी एल. ठीक है, और I को हमने क्या लिखा है यहाँ पे, I इज इक्वल टू वॉट इज वेक्टर J, वेक्टर J इज द करंट डेंसिटी. आई होप कि एटलीस्ट ये डेफिनेशन आपको पता होंगे यहाँ पे. दिस इज करंट डेंसिटी. ओके, तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको इस पे पूछ लिया जाता है, तो डायरेक्टली आप इन रिजल्ट्स को यूज कर सकते हैं.